हाय फ्रेंड्स, मैं आज और एक नया ब्लॉग लेके आया हूँ। जगन्नाथपुरी, ये मौसी माँ मंदिर का टेम्पल है, मंदिर है। और ये आप हम जहाँ घूम रहे हैं, ये ग्रैंड रोड है। पुरी के ग्रैंड रोड काफ़ी फेमस है, ये जहाँ पे रथ को खींचा जाता है। ये जो आप देख रहे हैं, चारों ओर एकदम भीड़ है। आज कुछ स्पेशल दिन है। देखिए, चारों ओर दुकानें लगी हुई हैं, ठेला है, साइकिल से लोग जा रहे हैं। काफ़ी चौड़ा रोड है, ये दोनों साइड है, वन साइड अप साइड करके है। ये दोनों मेरा फ्रेंड्स हैं, ये लोग मुझे हाई कर रहे हैं। एक है रिंकू, एक है लकी। आगे हम बढ़ रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी दुकानें हैं, आपको काफ़ी खाने की भी चीज़ मिल जाएंगे, पानी पूरी, मिठाइयाँ और काफ़ी फ्रूट्स वगैरह मिल जाती है यहाँ पे। और देखिए, ये रेड क्रॉस रोड है, इससे पहले हम मुड़ जाते हैं, फिर वापस मंदिर की ओर जाएंगे। देखिए यहाँ पे, जैसे ये एक बड़ा शॉपिंग मॉल है, काफ़ी भीड़ है। और यहाँ पे होटल भी आपको मिल जाएंगे। देखिए, मतलब लोगों का आना जाना चलता रहता है, रात भर 1:30 बजे तक तो चलती रहती है भीड़। ये एक जैन टेम्पल है, जैन की मंदिर है। और ये देखिए, ग्रैंड रोड के जो होटल्स हैं ग्रैंड रोड साइड में, आपको काफ़ी महंगा भी और सस्ता भी होटल मिल जाएंगे। यहाँ पे बाईं ओर आप देख सकते हैं अन्नपूर्णा, जहाँ से सिर्फ 5 रुपए में खाना मिल जाती है, लोगों को दिया जाता है। ये ग्रैंड रोड के मौसी माँ मंदिर के और हम घूम रहे हैं वापस, और वापस हम जाएंगे मंदिर के ओर। तो थोड़ी भूख लगी है हमें, मैं और मेरा फ्रेंड रवि कुछ खाने की सोच रहे हैं। हम कुछ मिठाइयाँ ले लिए यहाँ से और हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। फ्रूट्स की दुकान है और पूजा के सामान बेचने वाली दुकान मिल जाएंगे आपको। काफ़ी शॉप्स हैं यहाँ पे। यहाँ पे एक पुरानी, बहुत पुरानी जैन के मंदिर भी है। इस बीच में छोटे छोटे बहुत सारे मंदिर भी हैं। अगर हम जगन्नाथ जी के दर्शन करते हैं तो रात के वक्त 9 से 10 के बीच में आप जाएंगे तो बहुत आराम से आप दर्शन कर सकते हैं, भीड़ कम होती है। वैसे मंगलवार को और गुरुवार को ज़्यादा भीड़ होती है, और संडे तो भीड़ तो रहती ही है। ये देखिए, यहाँ पे कुछ उड़िया में लिखा हुआ है, मुझे समझ में नहीं आ रही है। अब जो हम बोल रहे थे, यहाँ पे देखिए, इस मंदिर के ऊपर में झंडा के वहाँ पे अग्निजोत जलाया जा रहा है। ये काफ़ी लोग यहाँ पे भीड़ इकट्ठे हुए हैं। ये सिर्फ हर बार इसके दर्शन नहीं होती है, अग्निजोत का जो दर्शन है बड़ा पुण्य माना जाता है। जोत जलाया जा रहा है और ये काफ़ी ऊंचाई पे है। यहाँ की खासियत है, जो ऊपर में जो झंडा है, हर रोज उसको बदला जाता है। इवन जो कोविड के वक्त था, उस वक्त भी इस झंडे को हर रोज बदला जाता है। यहाँ पे देखिए, ये मंदिर के चारों ओर काफ़ी भीड़ है। ये जगन्नाथ जी के रथ हैं, सुभद्रा जी के, जगन्नाथ जी के और बलभद्र के रथ खड़ी है। और यहाँ देखिए, फिर से जोत आपको नज़र आ रहा है। काफ़ी लोग भीड़ इकट्ठे हुए हैं और उस जोत को देख रहे हैं। ये जो है, बड़ा मुझे लकी है कि आज के दिन मैंने जोत जलता हुआ देख लिया। ये अक्सर जलाए नहीं जाते हैं, इसके भी कुछ रीति रिवाज है, उसके हिसाब से यहाँ पे जोत को जलाया जाता है। और बड़ा सुंदर सा दृश्य है, आप देख सकते हैं जो जोत जल रहे हैं। देखिए, तीनों रथ खड़ी है यहाँ पे, और जगन्नाथ जी का दर्शन हो गया, ये तो बहुत बड़ी बात है। तो मैंने सोचा चलो आप लोग को भी जगन्नाथ जी के दर्शन करवा देते हैं। देखिए, यहाँ पर इतनी भीड़ लगी हुई है, सारे लोग जो जोत जल रहे हैं उसकी भीड़ उतार रहे हैं। और बड़ा सुंदर सा माहौल लग रहा है, बड़ा प्यारा सा माहौल लग रहा है। और यहाँ पे जो जगन्नाथ जी के जो चक्र आपको नज़र आता है, इसकी भी एक खासियत है। आप जिस दिशा पर खड़ा होकर चक्र को देखेंगे तो आपको लगेगा चक्र आपको देख रहा है। ये बहुत ही बड़ा अद्भुत दृश्य है जो हम आप लोग से शेयर कर रहे हैं।
प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और भी अपडेट्स के लिए। थैंक यू।